प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं बना है। जल्द ही ये झूठ साबित हुआ। मीडिया ने दिखाया कि मोदी सरकार ने 8 मौके पर डिटेंशन सेंटर होने की बात कही है। जब बीजेपी ने मीडिया का स्वागत नहीं किया और स्वीकार नहीं किया कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, तब भी बीजेपी को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे साबित होता है कि कांग्रेस शासन के दौर में 3 डिटेंशन सेंटर बने हैं। संबित पात्रा मीडिया के सामने आते हैं और बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर ये डिटेंशन सेंटर बनवाए गए थे और कांग्रेस टाइम से ही डिटेंशन सेंटर बने होने की बात सामने आ रही। लेकिन आपको ये बता दें कि असम में बीजेपी की सरकार है। जाहिर है बीजेपी को पता होगा कि असम में जो 6 डिटेंशन सेंटर बने हैं, अगर 3 कांग्रेस की तरफ से बनवाए गए हैं तो बाकी 3 किसकी तरफ से बनाए गए? बीजेपी की सरकार में। अच्छा है बीजेपी कांग्रेस के झूठ को पकड़ रही, लेकिन खुद भी तो प्रधानमंत्री के झूठ का भी उजागर हो रहा है। खुद भरी महफिल भरी जनता के सामने रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं है, और कुछ ही देर बाद संबित पात्रा मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कहने का मतलब ये नहीं था कि देश में कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। उन्होंने कहा है कि NRC और CA के तहत और उसके बाद कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टाइम से ही यह प्रक्रिया चलती हुई आ रही है और कांग्रेस के टाइम में डिटेंशन सेंटर थे, लेकिन भाजपा सरकार के राज में अभी तक कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनवाया गया है। लेकिन जिस तरीके संबित पात्रा ने सबूत सामने रखे, उस सबूत के साथ साथ प्रधानमंत्री का झूठ भी उजागर हो गया और सबके सामने आ गया कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर डिटेंशन सेंटर बने थे तो भाजपा सरकार के टाइम में भी डिटेंशन सेंटर बने हैं और असम में अभी भी सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है और जिसकी पड़ताल कई बार हो चुकी है और सामने प्रधानमंत्री का भी झूठ आ चुका है। SPN9 न्यूज़, नाज़मीन की रिपोर्ट।